अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पति के उत्पीड़न से परेशान होकर अहमदाबाद की आयशा का आत्महत्या से पूर्व जारी वीडियो अभी लोग भुला भी नहीं पाए थे कि बीती रात लखनऊ में भाजपा सांसद कौशल किशोर की पुत्रवधु अंकिता ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। उसने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह कोशिश भी उसने भाजपा सांसद के घर के बाहर ही की। वीडियो वायरल होने के कारण सतर्क पुलिस ने अनहोनी होने से पहले ही उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। आत्महत्या की कोशिश से पूर्व रोते हुए अंकिता ने जो वीडियो वायरल किया है वह बेहद मार्मिक है। लखनऊ के मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के परिवार में चल रहे इस अजीबोगरीब ड्रामे ने उनके साथ ही पार्टी की छवि को भी दांव पर लगा दिया है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले कौशल किशोर के बेटे आयुष ने बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने की सूचना देकर सनसनी फैला दी थी। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में सामने आया था कि आयुष ने 3 लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। इस घटनाक्रम के दौरान घरेलू विवाद भी खुलकर चर्चा में आ गया था। अब अंकिता ने एक बार फिर से इस मामले को हवा दे दी है। आइए पहले देखते हैं अंकिता का वह वीडियो जो उसने आत्महत्या की कोशिश से पूर्व खुद ही वायरल किया था। आयुष, मैं कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया, झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी, तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी, खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ, जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती, लड़के देगा मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने, मैं बस कुछ छोड़ा नहीं तुमने, मैं जीऊँ मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे पापा से मैं रिक्वेस्ट करी, अभी फ़ोन भी किया मैंने उनको, फ़ोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। दरअसल पिछले साल ही सांसद के बेटे ने लव मैरिज की थी। आयुष ने शादी के बाद घर छोड़ दिया था और घटनास्थल से कुछ ही दूर किराए पर मकान लेकर रह रहा था। आयुष के प्रेम विवाह से उसके परिजन खुश नहीं थे, साथ ही लड़की के घर वाले भी नाराज थे। आयुष की मां जया देवी कौशल भी मलिहाबाद से भाजपा के विधायक हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।